आखिर क्यों विवादित फिल्म बन गई द केरल स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं सिनेमा अपडेट। पिछले कुछ दिनों से एक फिल्म चर्चा में है। फिल्म का नाम है द केरल स्टोरी। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज। हालांकि फिल्म अच्छे खासे पैसे कमा रही है। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो वो मैं बाद में करूंगा, पहले आपको बता दूं कि फिल्म विवादित क्यों हुई। एक्चुअली ये फिल्म बेस्ड है केरल की लड़कियों पे जिन्हें ISI द्वारा आतंकी बनाया जा रहा है। केरला के चीफ मिनिस्टर फिल्म को लेकर ज़्यादा खुश नहीं है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस फिल्म के जरिए केरल की छवि खराब की जा रही है। वहीं देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस फिल्म में आतंकी सच दिखाया गया है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी। हाईकोर्ट में फिल्म को रोकने को लेकर अर्जी लगाई गई थी और लेकिन ये आदेश हुआ कि फिल्म नहीं रुकेगी। मेकर्स को भी आदेश दिया गया कि उन्हें तथ्यों को दुरुस्त कर लेना चाहिए। फिल्म का सब्जेक्ट आपको बताऊं, उससे पहले ये क्लिप देखिए। आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि फिल्म क्या है और किस विषय पर है और इस फिल्म को बंद या रोकने का दबाव क्यों है। फिल्म ISI आतंकवादियों पर बेस्ड है। Tell me, when exactly you joined ISIS? फिल्म में लव जिहाद एंगल को भी दिखाया गया है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, only अल्लाह। पहले फिल्मकारों के मुताबिक 32,000 लड़कियों का धर्मांतरण करवाया गया था और बाद में उन्हें सीरिया और दमन जैसे देशों में भेजा जाता है। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भाग कर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। फिल्म उन लड़कियों की कहानी है, लेकिन बाद में सब कुछ चेंज हो गया। और अगर मैं बात करूं फिल्म की एक्टिंग की तो फिल्म में सबने उम्दा एक्टिंग की है। सभी किरदार सटे हुए नजर आते हैं। मेकर्स का दावा है कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन फिल्म के आते ही फिल्म विवादों से घिर गई। चलिए अब आपको सुनाते हैं किसने क्या कहा। आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। से ज्यादा हिंदुस्तानी ISI नहीं गए हैं, तो जब खुद भारत सरकार कह रही तो या तो फिल्म झूठी है या भारत सरकार झूठी है। अब मुद्दा यह है कि फिल्म की सच्चाई क्या है। फिल्म में पहले बताया गया था कि 32,000 लड़कियां इसमें शामिल हैं, जबकि सरकारी आंकड़े बहुत कम हैं। मेकर्स पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने डिस्क्लेमर से 32,000 की जगह 3 लगा दिया, यानी कि अब फिल्म 3 लड़कियों की जर्नी है। और फिल्म को लेकर अलग अलग क्रिटिक्स ने अलग अलग राय भी दी है। और अगर मैं इस फिल्म का रिव्यू करूं तो बस यही कहना चाहूंगा कि फिल्म में एक्टिंग जो है वो उम्दा स्तर की है। फिल्म आपको बांधे रखती है। तथ्यों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो फिल्म देखने लायक, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप की सोच और आप फिल्म को किस निगाह से देख रहे हैं। तो ये थी हमारी खास स्टोरी।